प्यारे बच्चों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो थोड़ा सा लेंथी है, इस वजह से हमने इसको पहले लिख लिया ताकि हम ज्यादा समय इसको समझाने में लगा सके। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि सीडी और जीएच क्रमशः कोण एसीबी और कोण ईजीएफ के ऐसे समद्विभाजक है की बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एफईजी की भुजाओं एबी और एफई पर स्थित है। तो काफी कॉम्प्लिकेटेड सी स्टेटमेंट दी हुई है, थोड़ा सा समझते हैं पहले दोबारा से। तो यहाँ पे दो त्रिभुजों की बात किया, त्रिभुज एबीसी की और त्रिभुज एफईजी की। तो एक त्रिभुज हमने एबीसी बना ली, एबीसी, और एक उसने देखो ई एफ जी की जगह पे एफ ई जी लिया है, तो कोई ज्यादा सा फर्क नहीं पड़ता, फिलहाल तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब हम समरूपता और सर्वांगसमता की बात करते हैं तो क्रम में लिखते हैं। तो यहां से एफ ई जी एक त्रिभुज और है, तो ये हमने एक त्रिभुज और बना ली एफ ई जी, तो ये दो त्रिभुजें होंगी हमारे पास। अब उसने कहा है कि सी डी है जो कोण ए सी बी का समद्विभाजक है। सी डी कौन से कोण का? ए सी बी का, यानी कि जो सी डी है, ये जो कोण है ए सी बी, यानी कि सी जो कोण है इसको दो बराबर भागों में बांटता है। तो ये कोण और ये कोण बराबर है क्योंकि समद्विभाजक है, तो यानी कि इसको अगर एक मान ले और इसको दो मान ले तो कोण एक और कोण दो बराबर होगी, जैसे कि हमने यहां पर लिख दिया। ठीक इसी प्रकार जो जी एच है वो कोण ई जी एफ का समद्विभाजक है। जो जी एच है वो कोण किसका? ई जी एफ का, ई जी एफ का, यानी कि जी कोण का समद्विभाजक है। इसको यानी कि ये कोण और ये कोण बराबर है, तो इसको नाम दे दिया हमने 3 और 4। तो यहां तक ये हमने यहां पे पहुंचा दिया। अब यहां पे देखो एक बात और है कि डी और एच भुजाओं एबी और एफ ई पर स्थित है। देखो डी एबी पर है और एच हमारा एफ ई पर है, तो ये भी सही है बात हमारे पास। तो यहां तक हमारे स्टेटमेंट के अनुरूप हमने जो आकृतियां हैं वो बना ली। अब आगे कहा है कि यदि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज एफईजी, अगर एबीसी एफईजी के समरूप है तो हमें दर्शाना है कि सीडी बटे में जीएच बराबर है एसी बटे में एफजी। दूसरा पार्ट है कि त्रिभुज डीसीबी समरूप है त्रिभुज एचजीई के, और तीसरा पार्ट है कि त्रिभुज डीसीए समरूप है त्रिभुज एचजीएफ के। तो ये तीन पार्ट है। अब देखो सबसे पहले तो हमने वही लिख दिया जो उसने दिया हुआ था कि जो दिया गया क्या है हमारे पास, एक तो त्रिभुज एबीसी है और एक त्रिभुज ई एफ जी है या एफ ई जी, उसने एफ ई जी कहा है ना, तो एफ ई जी कहा है। तो अगर आप यहाँ पे एफ ई जी लिखना चाहते हैं तो एफ ई जी भी लिख लें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एफ ई जी में सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और ई जी एफ, ई जी एफ ए सी बी और ई जी एफ के समद्विभाजक है। यहां तक हमने बता दिया था कि कौन एक कौन दो के बराबर, कौन तीन कौन चार के बराबर, ये हो गया हमारे, ये हमें दिया हुआ है। और साथ में कहा है कि यदि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के, तो त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के, तो ये हमें पार्ट्स प्रोड्यूस करने हैं, तो प्रूव करने हैं। अब देखो फर्स्ट पार्ट है, अब देखो त्रिभुज एबीसी अगर समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के, तो इसका मतलब क्या होगा हमारे पास कि कोण ए कोण एफ के बराबर होगा, कोण ए कोण एफ के बराबर होगा, कोण ए कोण एफ के बराबर होगा, कोण बी कोण ई के बराबर होगा, कोण बी और कोण ई बराबर होंगे, और कोण सी और कोण सी और कोण जी बराबर होंगे, कोण सी और कोण जी बराबर होंगे। अब देखो ये बड़ा कोण और ये बड़ा कोण बराबर है, तो कोण सी और कोण जी बराबर है, ये हमने लिख दिया। किस पेज पे लिखा हमने? समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो संगत कोण, संगत कोण। अब देखो जब ये बराबर है सी, सी के दो पार्ट है, आधा इधर है आधा इधर है, तो सी का अगर आधा कर दें 1/2 यानी कि सी का आधा कोण, और इसी तरह से जी का आधा कोण, वो भी आपस में बराबर होंगे। अब सी का आधा कोण है, सी का आधा कोण कोण एक भी है और कोण दो भी है क्योंकि दोनों बराबर है, और इसी तरह से जी का आधा कोण है कोण तीन और कोण चार और दोनों बराबर भी है, तो सी का आधा कोण एक और जी का आधा कोण तीन, यानी कि कोण एक और कोण तीन बराबर होंगे, लेकिन सी का आधा तो कोण दो भी है,
और जी का आधा तो कोण चार भी है, यानी कि कोण दो और कोण चार भी आपस में बराबर होंगे। तो यहां पे अब इसके बाद देखते हैं, हमें हमारे पास त्रिभुज ए सी डी और त्रिभुज एफ जी एच में, अब देखो ये भुजाएं समानुपात में है तो त्रिभुज कौन सी लेनी है ये देखो। देखो यहां पे सी डी है, सी डी सी डी, और यहां पे सी फिर दोबारा आ गया, यानी कि ए और चाहिए हमें, तो यहां पे लिख दिया हमने ए सी डी, और यहां देखो जी एच है, जी हमारा दोबारा आ गया तो एफ और चाहिए हमें, यानी कि एफ जी एच है, तो यहां पे एफ जी एच, तो ये लिख दिया हमने। अब इन दो त्रिभुजों में देखिए त्रिभुज कौन कौन सी, ए सी डी, ए सी डी इस त्रिभुज में, और दूसरी एफ जी एच, एफ जी एच इस त्रिभुज में। अब इन दोनों त्रिभुजों में ए सी डी ये वाली और एक ये वाली एफ जी एच में कौन ए और कौन एफ बराबर है, कौन ए और कौन एफ, शुरू में हमने बात की थी क्योंकि ये दोनों त्रिभुज हैं समरूप है, इनके संगत कोण बराबर होंगे, यानी कि कौन ए और कौन एफ बराबर है, यहां पे समरूप त्रिभुजों के संगत को, संगत को, अब समरूप त्रिभुजों के संगत कौन होंगे। दूसरी बात कोण दो और कोण चार तो पहले ही बराबर है, इन दोनों त्रिभुज में कोण दो, हमारे पास कौन सी त्रिभुज है, तो एक तो है हमारे पास एसीडी और दूसरी त्रिभुज कौन सी है हमारी एफ जी एच, कौन सी एफ जी एच, तो कोण दो और कोण चार, कोण दो और कोण तीन आपस में बराबर है, कोण दो और कोण तीन आपस में बराबर है। अब देखो समझ के देखो हमारे पास क्या है कि कोण सी और कोण जी बराबर है और ये आपस में बराबर है, ये आपस में बराबर है, यानी कि यहां पे ये सारे के सारे कोण ही आपस में बराबर है, इससे 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 और इससे इनको मिला दे तो इसका मतलब कोण एक, कोण दो, कोण तीन और कोण चार सारे के सारे कोण बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो कोण दो है और ये जो कोण तीन है ये भी आपस में बराबर है। तो ये हो गया हमारे पास, अब दो कोण बराबर होंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारे पास त्रिभुज समरूप हो जाएगी, त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजाएं समानुपात में होगी। अब देखो हम यहां पे क्या ले सकते हैं, यहां पे सी डी लिया है तो यहां पे जी एच ले लिया, और यहां पे ए सी लिया है तो यहां पे एफ जी ले लिया, एफ जी हमें प्रूव क्या करना था, यही तो प्रूव करना था, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अच्छा यहां पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जब आप ना ये दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो तीनों ही छंट लिख दो, यानी कि ए सी बटे में एफ जी, सी डी बटे में जी एच और ए डी बटे में एफ एच, तो उसमें से जो प्रूव करना है वो निकाल लें उसके अंदर से, तो इस तरह से फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो जाता है। आगे बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ, सेकेंड पार्ट में है त्रिभुज डी सी बी, हमें डी सी बी समरूप निकालनी है त्रिभुज एच जी ई में, ई के, तो अब देखो त्रिभुज डी सी बी, डी सी बी देखो कौन सी होगी, डी सी बी यानी कि ये त्रिभुज, और एच जी ई, एच जी ई यानी कि ये त्रिभुज। अब इन त्रिभुजों को देखो दोनों में, यहां पे हमने डबल मार्क किया हुआ था, यानी कि बी और ई कोण बराबर है, दोबारा देखते हैं, हमारे पास त्रिभुज डी सी बी और त्रिभुज एच जी ई में, तो कौन सा कोण बराबर है, कोण बी और कोण ई बराबर है, लिख दिया हमने, क्या लिख देंगे, संगत कोण, ये पूरा लिख दें कि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण, ऐसे ही हमने शुरू में बता दिया था, इसके बारे में बात की थी। और देखें कोण एक और कोण तीन भी बराबर है, ये हमारे सारे बराबर है, इसको समीकरण को कोई नाम देगा यहां पे भी लिख सकते हो कि इस नियम से है, और यहां पे भी लिख सकते हो, ये हमने प्रूव कर लिया था। अब दो कोण बराबर हो गए, यानी कि त्रिभुज कौन सी होगी, कैसी होगी, समरूप होगी, कोण कोण समरूपता नियम के अनुसार, ये सेकंड पार्ट में। अब तीसरा पार्ट है कि त्रिभुज, तीसरे पार्ट में डी सी ए, डी सी ए, डी सी ए ये वाले त्रिभुज, और दूसरी है हमारे पास एच जी एफ, एच जी एफ इस पे आ जाओ। अब इन दोनों त्रिभुजों में देखो, अब इन दोनों त्रिभुजों में देखो हमने क्या सिंगल मार्क लगाया था, ये इसके साथ सिंगल मार्क, तो कोण ए और कोण एफ बराबर है, फिर वही संगत कोण, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण, पूरा लिखते हो पूरा लिख देंगे। इसी प्रकार से यहां पे इन दोनों त्रिभुजों की बात है तो कोण दो और कोण तीन के बराबर है, तो यहां पे तीन कर लेंगे, तो कोण दो और कोण तीन आपस में बराबर है,
तो कोण दो और कोण तीन हमारे पास बराबर हो गए। अब दो कोण बराबर हो गए तो त्रिभुज समरूप होगी, कसौटी कौन सी लगी, कोण कोण समरूपता कसौटी। तो इसके हिसाब से हमारे पास ये आंसर। तो प्यारे बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। थोड़ा सा लेंथी है, स्टेटमेंट में थोड़ी सी दिक्कत है, मतलब समझने में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट है, लेकिन आप जैसे ही आकृतियां बना लेते हैं तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो जब भी आप कोई क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार उसको दोबारा से जरूर रीड करें, ताकि कोई आपको कहीं मिस्टेक की कोई गुंजाइश हो तो वो ठीक हो जाती है। अब देखो यहाँ पे हमने चेंज किया ना, एंगल चेंज किए, क्योंकि हमने एक बार प्लॉट कर लिया था तो उसके बाद हमने एंगल चेंज किया तो हमें पता चल गया ये इसके इक्वल नहीं, इसके इक्वल तो है लेकिन यहाँ पे अप्रोप्रिएट ये लिखना है, यहाँ पे इसकी जरूरत है समरूपता के लिए, तो वो हमने इसको चेंज कर दिया। तो पहले बच्चे ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। थैंक यू वेरी मच।